सरफराज खान को चौथे टेस्ट मुकाबले से किया गया बाहर, उनकी जगह पर रिंकू सिंह को वापसी का हुआ ऐलान। दोस्तों इस समय भारतीय टीम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने दी है। जी हां, जैसा कि आपको पता है भारतीय टीम इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसमें अभी तक कुल 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारतीय टीम में 2 टेस्ट मैच में जीत मिली तो 1 टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा है। तो इस सीरीज का चौथा मुकाबला 23 फरवरी यानी कल रांची के मैदान पर खेला जाएगा। तो इस मुकाबले से ठीक पहले राहुल द्रविड़ ने यह जानकारी दी, एक तीसरे टेस्ट मैच में घातक बल्लेबाजी करें सरफराज खान अपने निजी फैमिली के कारण वो चौथे टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह पर रिंकू सिंह को चौथे टेस्ट मैच में खेलते हुए आ सकते हैं। तो क्या रिंकू सिंह को टेस्ट मैच में शामिल करनी चाहिए नहीं, आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।